अच्छा, तो हम ये हाल रोड पहुंचने वाले हैं। ये सामने हाल रोड मार्केट है, ये देखें, ये हाल रोड मार्केट है। तो हम हाल रोड पहुंच गए हैं, तो अब आपको साथ 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 लेकर चलते हैं। चलो ना जब भाई, हेलमेट पहन लीजिए ना, चलान हो जाए हमारा। हेलमेट हमने पहन लिया क्योंकि चलान ना हो जाए, इसलिए। अब ये देखें, हम हाल रोड मार्केट जाने लगे, अजाने हो रही हैं, इसलिए आप जाने सुने, हम खामोश रहते। स्टॉप कर दें। तो ये देखें, हम हाल रोड, हमारा ना इशारा सिग्नल खुल गया है, तो हम ये हाल रोड मार्केट एंटर होने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, वो आगे वो देखें, वो ट्रैफिक वार्डन खड़ा है, क्योंकि ये चालान करने के लिए खड़े होते हैं। ये हाल रोड मार्केट है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे बाइक स्टैंड पर, तो फिर हम रास्ता तो मिल रहा है यार, ऐसे ही चले जाते हैं फिलहाल। नहीं, बाइक स्टैंड पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने ना मार्केट के अंदर जाना है। चलो वहाँ पे पास, ये मार्केट का कोई पता नहीं होता, ट्रैफिक वार्डन आके ना बाइक टो करके ले जाते हैं। फिर ये देखें कितना रश है मार्केट में। तो हम पार्किंग स्टैंड ढूंढ रहे हैं, ये पार्किंग स्टैंड मिल गया। नजम यहाँ पर लगा दो ये पार्किंग, या ये नजम, और नजम डील कर रहा है, ये भाई चेक करवा रहे हैं, ये भाई चेक करवा रहे हैं। तो ये हमने ले लिया भाई से, हमने ऑडियो भी चेक कर लिया, ये हमने ड्यूल माइक लिया एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ, ये भाई अटैच कर रहे हैं। ये नजम ऑडियो चेक करा रहा है, और ये भाई देख रहे हैं। जी भाई प्ले करना, ये लोग खोल रहे हैं नजम। हाँ जी, ये हमने माइक ये भाई से परचेज़ किया, माशाल्लाह क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अब भाई पैक कर रहे हैं, तो डीलिंग जोन सी हम लोग को ज़रा थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, फिर हम डीलिंग करते हैं भाई से, बहस करते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तरला बहुत मशहूर है, तो ये तरला डालना पड़ेगा भाई, काम नहीं कर रहे प्राइस। तो यहाँ से मुझे पता चला, तो भाई ने बताया कि यार ये एक नंबर चीज़ है, दूसरा चीज़ है इनके पास, तो इसलिए फिर जो है ना इनकी प्राइस भी इतनी ही होगी। तो देखिए भाई, तो फिर अब भाई का तरला डालते हैं, तो देखते हैं भाई क्या रेट लगाते हैं, क्या करते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। क्या खाना आप? क्या खाना आपको बताओ? पास वालों की बिरयानी खाते हैं। चलो ठीक है, चल आप खिला रहे? नहीं भाई, आप खिला रहे। अच्छा मैं खिला रहा हूँ, चले मैं खिला दे तो काश बिरयानी, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप ऑर्डर लगाए, आप जान है मेरी, हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है, आज का नहीं है। नहीं नहीं, 500 के आके ऊपर मैं वार के फेंक दूँ, हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है। जी जी, मेरा दोस्त, आपको याद नहीं कि हम हर हफ्ते बाद इकट्ठे होते थे सदर कैंट? जी जी, हमने बड़ी जो है ना सदर, हाँ जी सदर कैंट इकट्ठे होके कपूरे खाते थे। तो अब बस थोड़े से बिजी हो गए लाइफ में, हम टाइम नहीं निकाल पा रहे। हाँ
क्योंकि नजम की भी शादी हो गई है और अब मेरी भी शादी है, ऑफिस टाइम ड्यूटी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, इसलिए टाइम ही निकाल पा रहे। ये तो आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। नजम मेरे पीछे कम से कम कोई 2 महीनों से मुझे मैसेज कर रहा है कि चले माइक लेने। क्योंकि यार मैंने पहले जो लिया था ना वो सही नहीं था, इसलिए मैंने अब फ्रांस से रब्ता किया है, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये चीज़ अच्छी दे के देता है, महंगी दे देता है लेकिन अच्छी दे के देता है, क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, इसको पता है सारा कि जो है ना कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी सही है, क्योंकि इसका डेली का काम है, डेली की यूज़ है, इसलिए हम इधर आए हैं ताकि जो है ना अच्छी चीज़ें मिले। ये देखिए कितना रक्षा है हार्ड रोड पर, अब अपने पास निकाल। तो अब हम ये जा रहे हैं बाइक निकालने, तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रश है, तो बाइक भी हमारी बहुत ही दूर लगी हुई है, तो हम ना हाँ जी उधर ही से निकल जाएंगे। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं, अब हम बाइक निकाल कर, फिर भूख भी लगी हुई है क्योंकि सुबह से मैं निकला हूँ ऑफिस के लिए, तो नजम तो आके उसने मुझे ऑफिस से पिक किया, मेरी बाइक अभी भी ऑफिस ही खड़ी है, तो सारा दिन ऑफिस ड्यूटी किया, तो अब नजम के साथ आए हूँ तो अब भूख भी लगी है, तो अब हमारा प्लान बना है वकास बिरयानी खाने का, तो अब हम बाइक निकालते हैं, तो फिर जाते हैं वकास बिरयानी के पास। वकास बिरयानी आज खाएंगे क्योंकि बहुत ही मशहूर है ये हाल रोड का ना, बहुत ही मशहूर है वकास बिरयानी। तो गर्मी से बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, ये देख आप देख सकते हैं बड़ी जो है ना अच्छी है, पहले लसानी थी फिर वकास बिरयानी आ गई और इसके बाद जो है ना अब देखते हैं क्या सही खा रही है। ये पकड़ देना भैया, चल तू बोली बानी 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 मैं भी ठीक है। तो जी अब हम जा रहे हैं घर, यार वहाँ से बाइक लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीनों पसीनी होगा मैं, यहाँ पे जो है ना रश बड़ा है लेकिन चीज़ अच्छी मिलती है, ढूंढनी पड़ती है भाई, ये चोर बाज़ार है, चोर बाज़ार यहाँ से जो है ना बड़े ही जो है ना लोग बड़े तेज़ हैं, आपको अगर आपको नहीं पता कि चीज़ की क्वालिटी क्या है, क्या जो है ना इसमें ऑप्शन है, कैसे चेक करना है, तो भाई आपके पैसे के, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा ऐसे चीज़ें यहाँ से ली हैं तो पैसे वेस्ट किए हैं, इसलिए मैं अब ले गया फरहान को साथ, फरहान मास्टर है, मास्टर बंदा है इस चीज़ों का, तो जो है ना इसने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ बड़ा अच्छा माइक लेके दिया, पैसे तो ज़्यादा लगे हैं लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ लेके दी, जितने मैं सोच के आया था उसे डबल लग गया, क्योंकि चीज़ बार बार नहीं ली जाती, एक ही दफ़ा बंदा ले और अच्छी ले। हाँ जी हाँ जी, फरहान साहब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये फरहान जो है ना चीज़ें महंगी लेके देता है लेकिन लेके अच्छी देता है। लो भैया बाइक आप चलाओगे मैं चलाऊं? नहीं नहीं आप चलाओ, मैं नहीं यार तू चला, नहीं नहीं यार यार मैं थक गया। नहीं आपको पता है हेलमेट पेड़ से नहीं पहना जाता, आप हेलमेट पहने और आप ही चलाएं। लो जी अब मुझे चलानी पड़ेगी, लो यार नया माइक ले लिया, अब आप हम अपने YouTube फैमिली जो से हमारे साथ जुड़े हुए सब्सक्राइबर, हम उनको खुशखबरी दे दें कि हमने न्यू माइक ले लिया, अब आप हमारी ऑडियो क्लियर आएगी। तो अब नजम साहब से पूछते हैं कि नजम कैसा है? जी मुझे जी जी मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है यार कि जो है ना जो आप लोगों ने कमेंट्स किए, बताया मुझे कि यार आप लोग गलतियां निकालते हैं छोटी छोटी, तो मुझे ना पता चलता है और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने आप को बेहतर कर रहा हूं। तो जैसे कि ये वॉइस ही सही नहीं आ रही थी, अब हमने जो है ना माइक लिया है खरीदा है, इससे मुझे खुदी अपनी वॉइस सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फरहान साहब यहाँ पे जो है ना कोई अब इशारा बन रहा है, तो आप कह रहे हो आगे हमारा चलान ना आ जाए, कोई बात नहीं 1500 पे कर दीजिएगा। नहीं नहीं भाई पे को वाला, चलो भाई चलो सीधा जाना, तो सीधा ध्यान से ये भाई जी गुजर रहे हैं बहुत तेज। हां जी हर भाई हम जा रहे हैं, जा रहे ये है पंजाब समी चौक, यहाँ पर मैं मेरी ड्यूटी लगती रहती है। तो नजम साहब आपको माइक लेके दिया है, तो आप हैप्पी हैं कि पैसे तो आपके लगे हैं? पैसे तो सारे लगे, ज्यादा लगे हैं, चीज अच्छी आ गई है एक नंबर, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि यार चीज अच्छी लेनी चाहिए, ठीक है, एक दफा पैसे खर्चो अच्छी चीज ले लो, नहीं तो जो है ना पहले हम ऐसे करते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं ऐसी दे दो, टाइम चल जाए हमारा, टाइम जो है ना गुजर जाए तो फिर हम दे देंगे, लेकिन उसके साथ टाइम गुजर जाता है चीज़ अच्छी नहीं रहती,
अब शुक्र अल्लाह का बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई है, बड़ा अच्छा माइक मिल गया, मैंने खुद अपनी आवाज़ सुनी है तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और इंशाल्लाह इसके बाद फरहान भाई इसके बाद जो है ना मोबाइल नया लेना है यार, मोबाइल आपको लेके देंगे, पर अब हम मैं जो है मेरे जो सा मैं चाहता हूँ ना, अब आप एंड्रॉइड से ISO पर शिफ्ट हो, वो आईफोन यहाँ से आगे गाड़ी है आईफोन पर शिफ्ट हो। हाँ यार, क्योंकि आईफोन की वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ऑडियो भी बहुत अच्छी है और चलने में भी स्मूथ है, बस उसमें एक मेमोरी का इश्यू होता है, मेमोरी नहीं सॉरी रैम का, क्योंकि हम एंड्रॉइड में है ना रैम देखी जाती है, मेमोरी देखी जाती है सॉरी, और आईफोन में रैम देखी जाती है, तो आप अच्छी रैम वाला ले लेना जिसमें हो 132 या 28 या 240। हाँ यार, तो आपको अच्छी प्राइस में मैं मोबाइल ले दूंगा। हाँ मैं आपको बताता चाहूँ कि फरहान जो है ना इसका काफी ज्यादा लिंक है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि बेसिकली इसका काम ही यही है कैमरा मैन ही करना, और ये बड़े बड़े अच्छे चैनल में और इसके अलावा भी जो है ना ये जाता है शूट पे जाता है, छापे वगैरह मारते हैं ये, तो ये जाता है साथ साथ, तो जरा यार मुझे भी कोई अच्छा सा फोन देख दो, ठीक है मैंने लेना है। तो मेरे और भी दोस्त हैं वो भी फरहानपुर जाता ही होगा यार, उनको वो कह रहे थे यार हमने भी लेने हैं, तो चेक करेंगे कि मुझे पहले अच्छा सा फोन लेके दो ना, तो फिर मैं जब फोन के देखो मोबाइल अच्छा सा जी। तो ये शिमला पहाड़ी चौक है, तो अब हम जा रहे हैं, तो नजम जैसे आप पहले ऑडियो रिकॉर्ड करते थे जी जी, शोर में आवाज क्लियर नहीं आती थी, अब ये माइक लगाए इतने शोर में भी ऑडियो क्लियर ये पिक कर रहा है उठा रहा है, तो मेरी खुशी हो रही है यार, क्योंकि पहले जो है ना मैंने व्लॉग बनाए उसमें यार बड़ा मसला आ रहा था, बाइक की आवाज, ये ट्रैफिक की आवाज, मेरी आवाज की समझ नहीं आती थी मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे भी मैं जो है ना थोड़ा स्लो बोलता हूँ, मुझे इतना अलाउडली बोलने की जो है ना आदत नहीं है यार, तो इसीलिए अच्छा फिर सीधा जाना इधर जाना नहीं, नहीं, नहीं। ओके। ट्रैफिक बड़ी हो जाती है इस टाइम, गर्मी भी बड़ी है यार, और ये साथ ही जो है ना है दरबार है बीबी पाक दामन का, आता रहता हूँ मैं अक्सर, अगर नजम आगे पास टाइम है तो सलाम कर ले। हाँ हाँ क्यों नहीं यार, चलो सलाम करने चलते हैं। इसी मुझे जो है ना तकरीबन 2 वीक हो गए हैं मैं नहीं आया, मैंने आना था, तो चलो ये आज इसी रोड पर ही हम जा रहे हैं जी, तो हम ये अब हम दरबार जाने लगे बीबी पाक दामन, अब हम पहुंच गए यहाँ पे जो है ना, ये कौन सा रोड है, ये है वो गड़ीशो रोड, गड़ीशो रोड है, कॉलेज रोड है ये, क्वीन मैरी कॉलेज, ये क्वीन मैरी कॉलेज है। हाँ तो गुजर जो है ना मैं और फरहान आज काफी देर के बाद मिले हैं, तो हमने सोचा कि बीबी पाक दामन सरकार चलते हैं जाके सलाम करके आते हैं, दुआ करके आते हैं, काफी देर बाद मुलाकात हुई है हमारी भी, और मेरे पास जो आना कोई भी जो है ना मुझे छुट्टी होती है या मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं यहाँ पे जरूर चक्कर लगाता हूँ, जब मैं और फरहान काफी देर बाद मिले हैं, पहले भी जो है ना हम हफ्ते में तकरीबन कोई एक बार तो चक्कर लगा लेते थे, अब जो है ना थोड़ा बिजी हो गए हैं, तो क्योंकि अब हम जॉब कर रहे हैं तो मैं भी जॉब कर रहा हूं, आप भी मेरे घर से दूर शिफ्ट हो गए तो इसलिए चक्कर नहीं लगता। हाँ पहले तो था ध्यान से, ये गाड़ी वाला कुछ करेगा नहीं करता, इसको पता कि मैं आ रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है टाइम मिल गया हमें, वरना हम पहले डेली हर जुमेरात को चक्कर लगाते थे जी जी बिल्कुल, अब जरा कुछ मसरूफियात भी हो गई है, बिजी हो गए हैं, तो जिसकी वजह से चक्कर नहीं लगाया जा रहा, तो आज हम गुजर रहे थे तो हमने कहा क्यों ना हम इसी रोड पर चक्कर लगा दिया जाए, इतना गली में लगा देते हैं मैं और फरहान आते हैं, क्योंकि हमने बस जाना होता है थोड़ी देर के लिए जाना है, सलाम करके हमने वापस आ जाए, हमने तकरीबन 5 मिनट में वापस आ जाना है, वहाँ पे जो है ना ज्यादा देर के लिए नहीं खड़े होते क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है, और वैसे भी जो है ना नज़रें झुका के जाते हैं, नज़रें झुका के वापस आ जाते हैं, लेडीज भी आई होती हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो अब हम ये आगे हम बाइक पार्किंग में लगाते हैं, तो फिर हम अंदर जाके दरबार में जाके आपको मिलते हैं। ये ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा लाहौर में ना, ये ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है, हम बाइक अगर एक पर चलती है तो 2 मिनट में खड़ी होती है, इतनी ट्रैफिक है, बाइक चला चला।
हेलमेट पहनकर मेरे से बाइक नहीं चलाई जाती भाई, तो मैंने नहीं हेलमेट पहना है, तो इसलिए फिर मैंने आपको कहा कि भाई का आप ही चलाओ। इसको ये फायदा है कि पुलिस वाला भी तो होता है ना, तो जब दादा से मैं प्रेस नहीं, तो वो बंदा जो है ना इसको करने का बिल्कुल ठीक है ही चाहिए। तो मुझे अगर क्योंकि मैं हूँ मीडिया में, अगर मुझे कोई रोकता है तो मीडिया की बात सुन लेते हैं वो, तो इसलिए मुझे कोई इशू नहीं होता। मीडिया से डरते हैं हाँ, क्योंकि मीडिया वाले से बढ़ जाते हैं, उनको ऐसे स्वाग कर देते हैं, उनके पास जो आप जो है इसलिए कहते हैं भाई जाओ यार आप अपना काम करो, तो ठीक है नहीं है तो आप निकलो। और एक और बात आप तो सोच रहे कि ये जो सा कुछ है लड़का ये कौन है, इसको पहले देखा नहीं, तो नजम मेरा दोस्त भाई भी है, तो आपने मुझे पहले देखा होगा निकाह मानू भाभी के चैनल पर वीडियो अपलोड है मेरी निकाह की, आपने उसमें देखा होगा नजम मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, हम बचपन के दोस्त है, बचपन के फ्रेंड है, स्कूल में भी इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे मार खाई है, इकट्ठे घूमे फिर है। अब तो है ना बस मेरी शादी हो गई है, मैं बिजी हो गया हूँ, आप भी अपने ज्यादा बिजी हो गए, पहले तो मेरे में भाई थी कभी किधर जाना कभी किधर जाना, इससे जाना जाना इधर ट्राई करना बाइक चलानी, बस यही काम होता था, बॉर्डर टूर कर लिया इधर उधर चले गए, लेकिन अब जो है ना अब ऐसा है कि जाना जाना होता है बिजी में, और वाइफ को भी टाइम देना होता है, घर को टाइम देना होता है, अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की जाना लाइफ चेंज हो गई, इसलिए काफ़ी कम टाइम है मिलने का दोस्तों के साथ, अब टाइम से है पर वो भी बस एक बहाना कर दिया एक बात को ये व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैं हालांकि मीडिया फील्ड में मेरा मैं जैसे मेरा कहना मैं कैमरा उठा के रखता हूँ सारा दिन, मेरा हाथ इतना नहीं दिखता जितना ये व्लॉगिंग के चक्कर में हाथ दिखने लगा, आप जैसा आप व्लॉग बनाते हो क्या ये जो है ना सारी जो है ना ये दूर की मेहनत है।